दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यपाल, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा चौक, लखनऊ। मित्रों, मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पॉलिसी धारक बीमा कराते समय बीमा तो करा लेते हैं, परंतु उन्हें अधूरी जानकारी मिलने के कारण उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आपने बीमा कराने के बाद अगर 3 साल तक लगातार प्रीमियम नहीं भरा तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और बीमा कंपनी आपको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं देगी। मार्च 2020 से ये लॉकिंग पीरियड 2 वर्ष का हो गया है। अब यदि कोई पॉलिसी धारक बीमा कराता है मार्च 2020 के बाद तो उसे 2 साल का प्रीमियम भरना ज़रूरी है। मार्च 2020 के पहले 3 साल का प्रीमियम भरना ज़रूरी था। यदि कोई अब मार्च 2020 के बाद यदि 2 साल का प्रीमियम नहीं भरता है तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। पॉलिसी धारक चाहता है कि मैंने जो 1 वर्ष का पैसा जमा किया है वो हमें वापस मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। LIC उन 2 वर्ष का पैसा जो पॉलिसी लैप्स हो गई है, जो 1 साल का पैसा पॉलिसी धारक ने जमा किया है, उसे जब्त कर लेती है। तो दोस्तों मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में जो भी पॉलिसी कराएं तो 2 साल तक प्रीमियम जमा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पॉलिसी लैप्स होने पर आपको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। यदि आपने 2 वर्षों तक प्रीमियम जमा किया है और किसी कारणवश आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है, तो 2 साल का प्रीमियम उसमें से 1 साल का प्रीमियम माइनस करके जो प्रीमियम बचता है उसका 30% आपको रिटर्न कर दिया जाता है। दोस्तों, आप अपना प्रीमियम रेगुलर जमा करते रहें, पॉलिसी लैप्स ना होने पाए, इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। धन्यवाद।